हेलो फ्रेंड्स, आरसीडी में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के MIUI में कस्टमाइजेशन के हवाले से। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स कोई भी कंपनी का मोबाइल क्यों ना यूज़ कर उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वह एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है ताकि वो अपने हिसाब से अपने डिवाइस को जो है वो कस्टमाइज़ कर सके। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के MIUI के बारे में, जो आप किस तरह जो है वो सैमसंग के MIUI में कस्टमाइजेशन को कर सकते हो और अपने डिवाइस को जो है वो काफ़ी ज़्यादा कूल लुक दे सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मेरा नोटिफिकेशन पैनल जो है वो बिल्कुल ब्लर हो चुका है, इसके जो है वो कलर्स भी चेंज हो चुके हैं। इसके अलावा नेविगेशन कीज जो है वो भी बिल्कुल चेंज कर दी गई हैं। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर आप टास्क मैनेजर को भी देख सकते हो, टास्क मैनेजर जो है वो भी बिल्कुल जो है वो चेंज कर दिया गया। तो इस तरह की कस्टमाइजेशन किस तरह कर सकते हो आप अपने सैमसंग के MIUI में। तो इसके अलावा जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं वो इसके लिए गुडलॉक को यूज़ करते हैं, लेकिन गुडलॉक जो है वो एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है। वो उसके जितने भी प्लगइन्स की एप्लीकेशन भी होती हैं वो भी आपको सैमसंग के गैलेक्सी स्टोर में देखने के लिए नहीं मिलती। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप उन सभी एप्लीकेशंस को सिर्फ एक ही जिप फाइल में डाउनलोड कर सकते हो। आपको वन बाय वन डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, उन सभी एप्लीकेशंस को आप एक ही जिप फाइल में डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो अपने डिवाइस में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आपने उस लिंक पर जाकर टैप करना है। टैप करने के बाद कुछ इस तरह की जो है वो वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है प्लगइन स्टोर जिप फाइल, आपने इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद वेबसाइट ओपन होगी। ये तकरीबन 157 MB की जिप फाइल, आपने इस जिप फाइल को जो है वो अपने डिवाइस में डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इसको ऑलरेडी यहाँ से डाउनलोड कर चुका हूँ, आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिंक देखने के लिए मिल जाएगा डाउनलोड का, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने कोई भी फाइल मैनेजर जैसे कि सैमसंग का माई फाइल्स भी है, इसको भी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने जहाँ पर वो जिप फाइल को डाउनलोड किया उस लोकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर आपको जिप फाइल पे जैसे ही आप टैप करोगे यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट का, आपने जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना अपने डिवाइस में। यहाँ पर आपको फिर फोल्डर देखने के लिए मिलेगा, आपने इस फोल्डर को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको वो सभी एप्लीकेशन जो प्लगइन्स की एप्लीकेशन होती हैं गुडलॉक के लिए वो सभी एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएंगी। आपने इन सभी एप्लीकेशन को वन बाई वन अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना, सिर्फ आपने इस गुडलॉक की एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना। तो इन सभी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको एक और लिंक देखने के लिए मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आपने उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद जो आपका प्ले स्टोर ओपन होगा यहाँ पर आपको एक नाइट स्लॉग की एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगी। ये गुडलॉक की तरह की एप्लीकेशन है लेकिन ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। तो आपने इस डिवाइस आपने अपने डिवाइस में इस एप्लीकेशन को जो है वो इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ से इसको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको जितनी भी वो प्लगइन्स की एप्लीकेशन है उसका डायरेक्ट लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। आप सिर्फ यहाँ पर टैप करके उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो सभी को। तो यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो, जैसे कि आप मल्टीटास्क को भी चेंज कर सकते हो, लॉक स्क्रीन को भी चेंज कर सकते हो, टास्क मैनेजर को भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। यहाँ पर आप किसी भी स्टाइल को यूज़ कर सकते हो टास्क मैनेजर के लिए। इसके अलावा क्लॉक फेस में आपको काफ़ी ज़्यादा क्लॉक स्टाइल देखने के लिए मिल जाते हैं। नेविगेशन कीज के भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्टाइल देखने के लिए मिल जाते हैं, आप किसी भी नेविगेशन कीज के स्टाइल को जो है वो अप्लाई कर सकते हो अपने नेविगेशन बार पे। तो इस तरह जो है वो आप काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपने डिवाइस में। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर आप क्विक स्टार्ट पे टैप करोगे तो आप यहाँ से अपने नोटिफिकेशन पैनल को जो है वो बिल्कुल ब्लर भी कर सकते हो। यहाँ से आप किसी भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो अपने डिवाइस पे। इसके अलावा जो है यहाँ पर आप जो क्लॉक की पोजीशन है उसको भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर नोटिफिकेशन जो पॉपअप होता है, आपको जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा आप उसको उसका पॉपअप भी ओपन कर सकते हो। इसके अलावा आप विजिबिलिटी को किसी भी यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में किसी भी चीज़ को हाइड या अनहाइड भी कर सकते हो। यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से जो है वो मॉडिफाइड भी कर सकते हो। तो इस तरह जो है आप अपने सैमसंग के MIUI में जो है वो कस्टमाइजेशन को कर सकते हो। तो वीडियो आपको पसंद है तो आपने वीडियो को लाइक करना है यार, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सकें।